झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र में प्याज उत्पादकों की समस्या कम होती नजर नहीं आ रही है। राज्य में गन्ने के बाद प्याज दूसरी सबसे बड़ी नकदी फसल है। प्राकृतिक आपदाओं के असर से बहुत मुश्किल से किसान बचे हैं, लेकिन कम दामों ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। इस साल किसानों को 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल पर प्याज बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र में देश का करीब 40% प्याज होता है, जिसमें से सबसे अधिक करीब 63% रबी सीजन में हो जाता है। रबी सीजन का प्याज ही किसान स्टोर करते हैं। बताया गया है कि इस बार मंडियों में रिकॉर्ड आवक की वजह से प्याज के दाम में इतनी कमी आ गई है कि अब किसानों को प्याज स्टोर करने की सलाह दी जा रही है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि दाम में फिर से तेजी आएगी, लेकिन किसानों को खर्चे के लिए पैसों की जरूरत भी होती है, अपना घर भी देखना होता है और आगे की फसल के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। ऐसे में किसानों का प्याज की तेजी के लिए धैर्य टूटता जा रहा है। वर्तमान में रबी सीजन के प्याज को खेत से निकालने और छटाई का काम चल रहा है। जिनके पास स्टॉक करके रखने की सुविधा नहीं है, वो औने पौने दाम पर फसल बेच रहे हैं। बाकी किसान अच्छे दाम की उम्मीद में स्टोरेज पर ध्यान दे रहे हैं। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।